तकलीफ रहती थी, आपकी तकलीफ रहती थी। अच्छा, आपने जले हुए पे केले का छिलका लगाया? जी, केले का छिलका लगाया, आराम आ गया। और वैसे ज्यादा हो गया तो शहद लगा लो। शहद भी? हाँ, शहद भी लगा। छीटा पड़ गया तेल का कोई? तेल का, इसका तो फौरन शहद लगा लो, आराम। निशान नहीं पड़ता? नहीं, निशान नहीं पड़ते, आराम आ जाता। पहले तो केले का छिलका लगा लो, गूदा, गूदे के पास से। केले का छिलका लगाएं या गूदा लगाएं? गूदा, गूदा लगाएं, छिलका नहीं, गूदा। अच्छा, छील के उसको जो अंदर का होता है ना, वो लगाते, उससे आराम आया था, ठंडा भी हो जाता है उससे। बहुत अच्छा होता है। अभी मैं दोबारा पूछती हूँ, जो केला हम खाते हैं जी, वो केला लगाएं या छिलका? आप कह रही ना केले का छिलका लगाएं। छिलका क्या, गूदा जो छिलका के ऊपर? हाँ बिल्कुल, देखिए, हाँ ये ना, ये है ना, ये वाला, हाँ ये वाला लगाए, अंदर वाला मसल कैसे, देखिए आपको इतनी ठंड पड़ जाएगी, ठंड पड़ जाएगी, आराम फौरन ठंड हो जाएगी। ये मुझे नहीं पता, निशान भी चले, इससे निशान बहुत जल्दी, निशान बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। अगर ज्यादा उबलता हुआ पानी गिर जाए, ज्यादा जल जाए, फिर वो शहद लगा लो। फिर अच्छा, फिर शहद लगा लें, एंटीसेप्टिक होता है, फौरन आराम। देखिए, पहले ही स्किन खिंच रही होती है शहद से, तो और नहीं नहीं, ठंडक पड़ जाती है, फौरन आराम देगा। अच्छा, फौरन आराम, मगर चूल्हे से हट जाओ जरा सा। अच्छा, चूल्हे से हट जाओ, फिर आराम हो जाता है एकदम, माशाल्लाह। उसे दाग भी रहता और निशान भी नहीं रहता। आप भी कुछ बताएं। बिल्कुल, देखिए, जैसे कहा कि अगर फौरन जल गया, अब तो टूथपेस्ट लगा लेते हैं, लेकिन अगर आप शहद लगा लेते हैं तो वो जले हुए को फौरन ठंडा कर देता है। अच्छा, आंवला नहीं पड़ने देता है। शहद लगा ले या एलोवेरा जेल लगा ले। बच्चे भी अक्सर आते ना किसी चीज से जला जुलू के आ गए या कुछ ऐसा। लेवेंडर ऑयल आपके घर में होना चाहिए, वो तो सबसे बेहतरीन चीज है। लेवेंडर ऑयल लगा लिया तो ना आंवला पड़ेगा, ना निशान आएगा, और स्किन मतलब 24 घंटे के अंदर ठीक हो जाता है। लेकिन अल्लाह ना करे बहुत ज्यादा जल गया है, तो फिर आपने शहद लगाना है और शहद के साथ एलोवेरा जेल मिला के लगा। अच्छा, तो आंवला नहीं होगा और निशान जो है ना ठीक हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा जो है सबसे जो ये दो चीजें तो आपने करनी है, लगाना है। आपने पहले जो है वो लेवेंडर ऑयल लगा लिया है, लेवेंडर ऑयल लगाएंगे तो निशान और जलावा जो है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है। दूसरा जो है, आपने शहद अपने घर में होता है, हाँ। जैसे जला है कुछ है, आपने फौरन शहद का लेप कर दिया। अच्छा, और इस चीज एक चीज बना के रख लीजिए आप, उसमें आपने एलोवेरा जेल लेना है, उसमें आपने शहद डाला, तकरीबन ये बना के घर में होना चाहिए। ठीक है। और इसके अंदर जो है लेवेंडर ऑयल डाल दिया, ये तीन चीजें आपने मिक्स करके रख दी। अगर कभी भी इसे के फौरन बनाने का टाइम नहीं मिलता है, अच्छा, और फौरी तौर पे समझ में भी नहीं आता कोई चीज, हाथ पैर जल जाए, कुछ हो जाए कि क्या करें, तो बौखलाहट में बंदे को समझ में नहीं आता कि उसमें पानी डालते तो आंवला पड़ जाता है। अच्छा, आपके पास ये बना हुआ होना चाहिए, इसको चाहे तो फ्रिज में रख दें या क्यूब्स बना दें। जैसे जलता है आपने बस फौरन क्यूब निकाला, बस फौरन लिया और उसको लेप कर दिया। अच्छा, ये लगाते हैं तो उससे क्या होगा, जलावा निशान, वो जलावा जो है वो तो ठंडा हो जाएगा, उस पर निशान भी नहीं पड़ेगा। और अगर निशान पड़ गया है उस पर भी ये लगाते रहे। और इसके अलावा जो है आपके पास सेब का सिरका होता है, सेब का सिरका निशान खत्म करने में बहुत अच्छा। अच्छा, जैसे अगर पुराना हो, जैसे 2-3 दिन हो गए जले हुए, बिल्कुल उसमें ये मतलब तो सालों भी हो गए हैं, आपने दिन में 1-2 बार कॉटन पैड लेके, कॉटन बॉल लेके उसमें डिप करके आपने जले हुए निशान को ना लगा देना है अच्छी तरह से, दिन में 2-3 बार, ये हल्का हल्का स्किन को उतार देता है, और उससे फिर क्या निशान जो है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। ओके, फेड होना शुरू होगा, फिर निशान खत्म हो। जबरदस्त, तो ये आप लगाते रहिए। बहुत अच्छा।